एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे पर आज सुमन का छुट्टी नहीं है, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। सुमन मुझे छोड़ देगा मम्मी के पास और वो जाएगा ऑफिस। और आज का वेदर थोड़ा सा ठीक है इसलिए हम लोग घर से निकल रहे हैं, पर उतना भी ठीक नहीं है, कभी भी हो सकता है बारिश। अभी भी धूप नहीं निकला, एकदम भी धूप नहीं है, बादल भी है अभी भी। तो अभी हम लोग निकलेंगे और कुछ सामान मैंने लिया है सुमन ने सुबह सुबह उठकर लौकी और वो जो है क्या बोलते इसको बातें भी डेबू ये सब तोड़ के रखा है। इतना सब मुझे भी ले जाना पड़ेगा, ये लौकी का पत्ता, डंटी और ये बहुत सारा बातें भी लेबू, लौकी ये सब है। तो मैं किस तरह से ले जाऊँगी इसको, इतना सब है। पिछने बसते हो ना रे, पिछने नहीं रखते हो तो ना वोटा तो नीते ही पड़ो ना, बड़ बैगटा বড় ব্যাগটা আমি মাঝখানে, হ্যাঁ আর ওইটাও হ্যান্ডেলে নিয়ে নেবে। তো আমি ঘর আ চুকি হু আর ইয়ে যে ওয়াল হ্যাঁ না ইয়ে वॉलपेपर लगाया है तो अच्छा लग रहा है देखने में, पर लाइट मैंने नहीं जला तो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। और आके देख रही हूँ मम्मी जी मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, और ये सब लकड़ी का पत्ता ये सब लेके बैठा है काटने के लिए। और मनीषा भी क्या कर रहे हैं, मनीषा कर ब्रेकफास्ट दे रहा है सबको, अब इतना सारा लेके बैठा है अभी वो। दीदी के घर गई थी और दीदी ने मुझे ये डीप लेयर कट कर दिया है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। दीदी ये हेयर कट बहुत सुंदर करता है, अच्छा लग रहा है ना, आप लोग जरूर बताना कैसे लग रहा है मुझे। बाल थोड़ा सा छोटा क्या लिया है मैंने, पर अच्छा है, पूजा के टाइम में करना चाहिए। आदि कैसे हो, सबको बोल दो हाय। चलो देखती हूँ मम्मी ने क्या खाना बनाया है आज। ओ माँ ये वाला क्या है, ये है साग फ्राई और इसमें क्या है, वो मैंने जो लौकी का पत्ता लिया था ना वो डंडी देके ये सब खसखस देके आई थिंक हुआ है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर क्या है, ओ इधर है चिकन कौशा आलू देके। तो यही है आज का लंच। और इस वॉल में भी इन लोगों ने लगाया है ये वॉलपेपर जो अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये एक नॉन मॉड्यूलर किचन है जो दीदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया है। किसी और दिन में अच्छी तरीके से आप लोगों से शेयर करूंगी। খুব ভয় লাগছে। মা গো লেজে পা দেবো না মা, দেখলি চলে দিশা, আমার ভয় লাগছে বান্দর। रेडी हो गई हूँ मैं और सीमा दी और उधर से दो दीदी, हम लोग जा रहे हैं अभी बिग बाजार जंक्शन शॉपिंग के लिए। तो मुथू मतलब मनीषा का कुत्ता जब से बंदर देखा है तब से वो चिल्ला रहा है जोर जोर से।
कहाँ चोरीटा कोई दीदी दीदा चोरीटा हो या हो गया है और नहीं और नहीं बंदर देख के इतना चिल्ला रहा है अभी मैंने इसका नाम पहली बार सुना है और ये सब खा रहा है अभी आइसक्रीम राजभोग मतलब क्या है इसमें नॉट सरसुरी तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और दीदी लोग सब दिखा रहे हैं क्या क्या कौन कौन लाया है और दीदी ने एक टॉवल लिया है ये वाला और दीदी ने ये वाला एक मैट लिया है ये जो प्राइस है इसका ये है 350 350 और ये बहुत सुंदर एक मैट है और एक टॉवल ये 500 का है जो बहुत ही सुंदर है बहुत सॉफ्ट है और सीमा दी ने लिया है ये वाला वाटर बोतल 5 टा नीचे से दीदी बहुत ही अच्छा है और मैंने जो लिया है मैं आप लोगों को घर में जाके दिखाऊंगी तो रास्ते में हम लोगों को पकड़ लिया था बारिश ने तो ये रहा मेरा शॉपिंग जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी पर बाहर अभी फिर से बारिश हो रहा है पता नहीं मैं ये सब कब चेंज करूंगी मेरा जो कर्टन्स है ये बेड शीट्स है बाहर का सोफा का बेड कवर है बहुत सारा कर्टन्स है जो मुझे सब धोना है पर पता नहीं कब मैं धोऊंगी क्योंकि फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है
तो ये सब ग्रोसरी का सामान है और ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये मैं स्पेशली कुछ नहीं दिखा रही हूँ। मैं जो आप लोगों को दिखाऊंगी वो है इस बैग के अंदर, तो मैं दिखाती हूँ ये वाला क्या है। तो मॉल जाते ही मुझे सबसे पहले जो पसंद आया ये वाला इयररिंग्स, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 के सेट में एक साथ है, जो मुझे मिला है 250 में, इतना सारा 250 में। तो मैं जब पहनूंगी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, ये बहुत सुंदर लगा और ये मटेरियल बहुत सुंदर है ये वाला। तो सबसे पहले मैंने ये ही खरीदा था और इसके बाद जो है ये क्या है आप लोग, जितना भी प्लास्टिक का बोतल्स है तो वो मैं सब फेंक दूंगी और सब मैं कांच का या फिर स्टील का या फिर कॉपर का जो होता है वो यूज करूंगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो प्लास्टिक का चीजें है वो मैं अवॉइड करूँ, इसलिए मैं ये वाला कांच का बोतल लाई हूँ, वाटर बोतल है ये। तो ये बहुत ही सुंदर लगा, 180 का वन पीस। और एक है, एक कलर में ये है और एक कलर है ये वाला, एक कलर है इसमें। तो ये दोनों था जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लूंगी, पर आज मैं जाके ले ही लिया। तो चलिए, और तो कुछ नहीं है, नॉर्मल से मैंने आज शॉपिंग किया है, पर दीदी लोगों ने बहुत सारा शॉपिंग किया है और मेरा शॉपिंग यहीं से भी था आज का। जो मुझे सबसे प्यारा जो चीज लगा वो इयररिंग्स। तो चलिए अभी मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करूंगी, क्योंकि अभी बज रहा है 9:30 और आज बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है। तो बिग बॉस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है पर आज मैंने मिस कर दिया, पर अभी मैं जियो टीवी में देखूंगी। तो इसलिए मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।